एमपी के देवास कोर्ट में नेशनल लोक अदालत के दौरान एक अनूठे विवाह का नजारा चर्चा का विषय बना हुआ है। दुल्हा कोर्ट में घोड़ी पर बैठकर अपनी दुल्हन को लेने आया। इस नज़ारे को देखकर लोग चर्चा करने लगे कि कोर्ट में भी क्या शादी का आयोजन होने लगा है। तब पता चला कि 2 वर्ष से अलग रह रहे पति और पत्नी को कुटुंब न्यायालय ने समझाइश देकर मिलवाया है, जिसके बाद न्यायालय में दोनों पति और पत्नी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इस अनूठे विवाह के गवाह खुद न्यायाधीश और वकील बने। वहीं दूल्हे की माता ने अपनी बहू को नई साड़ी और गुलाब का फूल देकर स्वागत किया, जिसके बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को कोर्ट से अपने घर लेकर गया। इस अनूठे विवाह को देखने के लिए बड़ी संख्या में वकीलों के साथ जनता भी सहभागी बनी। मैं जो है दुल्हन का भाई हूँ, राकेश पटेल। हमारा जो है काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। उस विवाद के चलते पिछले दो साल से मेरी बहन अपने मायके में थी। इसमें फिर हमारे जीजाजी की तरफ से कोर्ट में केस लगाया गया था तलाक के लिए, जिसमें हम श्री दुबे जी के कोर्ट में पेश हुए। वहाँ पर हमें दुबे जी ने आपस में सभी को एक एक करके परिवार वालों को बुलाया और हमें समझाया, और इस तरीके से हमने अपने आपसी मतभेदों को दूर करते हुए बच्चों के भविष्य को आगे देखते हुए हमने आपस में समझौता लिया कि भैया अपना बहन का घर बसना चाहिए। हमारे जीजा जी ने भी इस बात को समझा, उनके रिश्तेदारों ने भी इस चीज़ को समझा, और सभी ने आपस में हमने मिलकर यह निर्णय लिया कोर्ट के माध्यम से, माननीय श्री न्यायालय के माध्यम से यह निर्णय लिया कि आगे घर बसाना चाहिए। इसके अंदर आज एक पति पत्नी का कुटुंब न्यायालय के अंदर विवाद था, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद था उनके बीच में, उसको लेकर मध्यस्थता कराई गई थी। उस मध्यस्थता में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान गंगाचंद दुबे द्वारा उन्हें समझाइश दी गई, जिसके अनुसार उनके बीच में जो भी आपसी मनमुटाव थे, उससे क्या परेशानी थी, सब चीज़ को समझा गया। उसके बाद उन चीज़ों को माना गया। आज माननीय न्यायालय में जो आवेदक है पवन कुमार, वो आज अपनी घोड़े पर बरात लेके यहाँ पर आएगा, जिसमें वो यहाँ पर घोड़े पर आएगा और यहाँ से अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा, और उसमें ये भी बताया गया कि जो दुल्हन ये है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।